लेकर तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल दोस्तों मैं तैयार होकर आ चुका था पुलिया के ऊपर, और आज जो है ना सेल वाला पार्सल जो है ऑफिस में आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मिलने वाला है। चलिए फिलहाल चलते हैं ऑफिस, देखता हूँ कितना मिलता है पार्सल और आज मैं कितना पैसा जो है वो छाप पाता हूँ। सेल वाला पार्सल तो भाई बहुत सारा मतलब कि आ चुका होगा। छाया ऑफिस दो चार भाई लोग ही आए हैं तो पार्सल मिलेगा भाई झमाझम। ये क्या देख रहा हूँ, दो बजे के बाद खाली हो जाते हैं। तो भाई पहाड़ लगा हुआ है। क्या वाला भी विजय आपका बोनी हो गया है सही रुचि दृष्टि से। अरे कच्चे तो इतना बड़ा बड़ा लेंगे कैसे, वही सोच अरविंद भाई जल्दी जल्दी मारो मारो जल्दी से, पूरा हाउसफुल है भाई। बकीर में वो वाला वो उसको विशाल 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 तैयारी चल रहा है भाई जोरों शोरों से। तो भाई बाकी भाई लोग तो तैयारी कर रहे हैं और मैं अपना तैयार जो है ना ऑलरेडी करके रख दिया हूँ। ठीक है, दो झोली पार्सल हैं और एक बैग पार्सल ले लिया हूँ। देखता हूँ कितना समय लगता है बांटने में। ठीक है, हालांकि जैसा सोचा था वैसा पार्सल मिला नहीं, क्योंकि ऑफिस में जो है ना जितना पार्सल आया है सॉर्टिंग किया गया नहीं है पूरा। अगर सॉर्टिंग किया गया होता तो पार्सल का लोड जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, मस्त और ज़्यादा मिलता है। निकल पड़ा हूँ पार्सल बांटने के लिए, देखता हूँ समय कितना लगता है। ठीक है, कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी बढ़ जाए जितना लिया हूँ पार्सल। चलो भाई, हर दिन की तरह कॉलोनी आ गया था और प्रीपेड पार्सल से जो है आज भी शुरुआत करने वाला हूँ। आज ले ही चलता हूँ बाइक अपना, हालांकि इस कॉलोनी का जो है ना बहुत सारा पार्सल है, लगभग 6-7 पार्सल इस कॉलोनी का है। अपना बाइक यहीं पे लगा देता हूँ भाई, बोहन कर लेता हूँ 12 रुपये। पार्सल इस घर का पार्सल दे दिया हूँ। ठीक है, बाइक यहीं पे खड़ा कर देता हूँ, सामने वाले घर का पार्सल देकर आता हूँ। 180 रुपये का है फटाक से। सुबह सुबह का नज़ारा देख ही सकते हैं, मस्त एकदम धूप निकला है। चल भाई पार्सल देकर आ गया हूँ। ठीक है, 200 रुपये का पार्सल था, 180 रुपये का। चलो कैश बोनी हो चुका है भाई, काफ़ी सारा पार्सल जो है ना बांट चुका हूँ। फिलहाल इस घर का पार्सल लेकर आया था, 16,000 का भाई, मोबाइल होगा शायद इसके अंदर। मैडम पार्सल था, ऐसा पैकिंग करके भेजे हैं कि क्या ही बताऊँ, लगता ही नहीं है कि इसके अंदर मोबाइल होगा, लेकिन आजकल ऐसा ही पैकिंग आ रहा है। आ रहे हैं कि अमित कुजूर, काफ़ी इंतज़ार के बाद मतलब पैसा दिए। ठीक है, हाँ मेरे को ना 500 रुपये एक्स्ट्रा गलती से दे दिए थे, वापस कर दिया 500 रुपये। मैंने क्या है क्या यार, गिनना चाहिए सही तरीके से, पता नहीं 2-3 बार गिना फिर भी 500 रुपये एक्स्ट्रा। मैं गिना तब देख रहा हूँ 500 रुपये ज़्यादा है, फिर वापस कर दिया। मैडम अमित मिश्रा जी का घर यही वाला है भैया, नो रिस्पॉन्स। चलो यही रहा एक्सचेंज पार्सल, इसको रख देता हूँ। फिर से खंडर के पास आ गया था और ये रहा एक्सचेंज पार्सल जो है ना जस्ट लेकर आया। कस्टमर का जो है ना नंबर जो है वो स्विच अप था, जिसके कारण से जो है ना कॉल लग नहीं रहा था। वो तो अच्छा हुआ है दोस्तों कि लोकेशन देख के पहुंच गया था कस्टमर के घर के पास, फिर पूछा फिर पता चल गया। और आज ना सेल का मतलब कि पहला दिन था। ठीक है, तो मैं घर से जब निकला था ना पार्सल बांटने के लिए मतलब ऑफिस के लिए, तो मैं सोचा कि आज बहुत ज़्यादा मतलब कि पार्सल जो है वो मिलने वाला है, क्योंकि भाई सेल का पहला पार्सल जो है ना फाइनली ऑफिस आ चुका था। लेकिन आने के बाद पता चल रहा है भाई कि जो पार्सल आया है आधा अधूरा जो है सॉर्टिंग हुआ है, पूरा पार्सल जो है सॉर्टिंग नहीं किया है। ठीक है, और फिर लेकर गया था लगभग 50+ पार्सल, उसमें से भी 2-3 पार्सल जो है ना कस्टमर लिए नहीं, और अभी फिर 3-4 पार्सल या 6-7 पार्सल बचा हुआ है, उसको बांट के चला जाऊँगा फिर से ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद देखूँगा अगर सॉर्टिंग अगर कर लिए तो कुछ कुछ पार्सल और लेकर जाऊँगा, ताकि भाई आज का इनकम जो है कम से कम
1000 रुपये तो होना चाहिए है कि नहीं। तो भाई मेरे ना एक सब्सक्राइबर भाई कमेंट किया था कि भैया आप ना हमेशा बाइक में जो है चाबी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, और साथ में पार्सल भी। कभी अगर बाइक चोरी हो गया और पार्सल अगर कोई उठा लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगा। मेरा तो गलती है भाई, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ, चाबी छोड़ के चला जाता हूँ और पार्सल भी मतलब कैसे ही छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि अपार्टमेंट का पार्सल रहता है ना तो पूरा पार्सल ऊपर ले जाया जा नहीं सकता है, एक दो पार्सल ही रहता है अपार्टमेंट का। और मेन चीज़ क्या है ना, मैं अगर दूर में जाता हूँ ना पार्सल छोड़ के किसी घर के पास, तो मैं नज़र बनाए रखता हूँ, ठीक है, मतलब अपने बाइक के पास देखते रहता हूँ कि कोई आसपास तो नहीं भटक रहा है। इसी कारण से अभी तक तो भगवान के आशीर्वाद से कोई घटना ना हुआ है, और ना ही हो तो ही अच्छा है। चलिए जो दोस्तों चलते हैं, 4-5-6 पार्सल जो बचा हुआ है फटाफट से मारते हैं डिलीवर, उसके बाद चला जाऊँगा ऑफिस। ऑफिस में देखता हूँ अगर शॉर्टिंग हो गया होगा तो और कुछ पार्सल लेकर जाऊँगा। भाई आज इतना गर्मी लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ। एक ले लिया हूँ भाई जीरा वाला, जल जीरा वाला कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, इसको फटाफट से पी लेता हूँ फिर निकलता हूँ बांटने। टेस्ट अच्छा है यार जीरा वाला। तो भाई यहाँ का 2 पार्सल आया था, प्रीपेड पार्सल है, ठीक है, खुल जाए यार। प्रीपेड पार्सल ठीक रहता है, मस्त छोड़ो घर पे, कस्टमर को इन्फॉर्म कर दो और छोड़ दो पार्सल। आज का काम पूरा ख़त्म करके जा रहा हूँ फिलहाल ऑफिस, देखता हूँ कितना मिलता है भाई पार्सल ठीक से। चलो भाई आ गया था ऑफिस, देखता हूँ अंदर जाके कितना मिलता है पार्सल फिर से। मोबाइल भी चार्ज करना है, शॉर्टिंग हुआ है कि नहीं, शॉर्टिंग नहीं किया अभी तक, जमा कर दिया हूँ और मेरे को लगा था कि शॉर्टिंग हो गया होगा लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। सोचा कुछ पार्सल लेकर जाऊँगा लेकिन तो 2.5 घंटा से जो है ना शॉर्टिंग किया, तो अपना पार्सल वो बोरी में भर दिया हूँ, कल आके ज़्यादा दिक्कत करना नहीं पड़ेगा, आऊँगा फटाक से गन मार के ले जाऊँगा, ठीक है। मेरे को लगा कि शॉर्टिंग हो गया होगा, ऑफिस आके मस्त पार्सल ले जाऊंगा सोचा था, लेकिन भाई आने के बाद शॉर्टिंग किया 2-2.5 घंटा ऐसे ही बर्बाद हो गया, और सुबह से अभी तक कुछ भी जो है ना खाया नहीं, भूख लगा है जम के ऊपर से। अब चलते हैं घर, कल ही आके बांटूंगा भाई, मैं सोचा था सेकंड लोड भी ले जाऊंगा, अब पॉसिबल नहीं है, निकलता हूँ घर। चलो भाई अपना काम जो है ना ख़त्म करके आ गया था घर, और आज का प्लान जो है मेरा जो बना के गया था, जो बना था सारा चौपट हो गया, मतलब कैसे हुआ बताता हूँ, ठीक है। आज दोस्तों सेल का जो है ना पहला दिन था, मतलब कि सेल का पार्सल जो आने का ऑफिस में पहला दिन था, और पार्सल भी बहुत सारा था, लेकिन शॉर्टिंग जो है वो पूरा ऑफिस वाले स्टाफ जो है वो किए नहीं थे, ठीक है। सुबह गया तो लेकर गया था लगभग 50-55 पार्सल लेकर गया था, उसको बांट के आ गया लगभग 12 बजे। मैं सोचा जल्दी जल्दी जाता हूँ ऑफिस में, कम पार्सल लेकर निकला था, मतलब कि ज़्यादा पार्सल मिला ही नहीं था तो कहाँ से, ठीक है। फिर ऑफिस सोचा कि ऑफिस जाऊँगा मस्त पार्सल लेके और जाऊँगा बांटने, जितना शॉर्टिंग हो गया होगा तो और कम से कम 30-40 पार्सल ले जाऊँगा, जिससे मेरा आज का इनकम जो है लगभग 1000+ हो जाता है। लेकिन ऑफिस पहुँचा उसके बाद देख रहा हूँ भाई शॉर्टिंग ही नहीं हुआ, उसके बाद कुछ ही देर में पैसा वगैरह जमा कर ही दिया था, तो CTL सर जो है ना, वो डॉगी कहाँ भौंक रहा है, CTL सर जो है वो आ गए थे, तो बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा शॉर्टिंग कर दो। क्या हो गया पोको, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है, हाँ क्या दिक्कत है तेरे को क्या परेशानी है। तो CTL सर बोले कि थोड़ा शॉर्टिंग कर दो, वही शॉर्टिंग करते करते भाई 2.5 घंटा लग गया, ठीक है। उसके बाद फिर मन ही नहीं किया कि दोबारा फिर पार्सल लेके जाऊँ बांटने के लिए, ऊपर से सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूख भी लगा था जम के, चक्कर मार रहा था हल्का फुल्का। उसके बाद दोस्तों आ गया घर, और हालांकि 47 पार्सल डिलीवर किया हूँ कल, अच्छा खासा पार्सल जो है वो डिलीवर करने वाला हूँ पोको। लेकिन सही बात है यार, प्लान जो है मेरा आज चौपट हो गया, और ऊपर से क्या हुआ था ना, आज दो बार जो है कस्टमर, अलग अलग कस्टमर जो है ना दो बार भाई मेरे को पैसा जो है ना एक्स्ट्रा दे रहे थे, लेकिन मैं लिया नहीं, क्योंकि मैं क्यों लूँगा यार, मेहनत का पैसा अगर 10 रुपया भी है तो बहुत है, और मेहनत किए बिना अगर पैसा अगर 1000 रुपया भी है वो भी 10 रुपये के बराबर है फिर मेरे नज़र में, मेरे हिसाब से। ये कस्टमर तो भाई 16000 का पार्सल था, 16000 की जगह में कितना दे दिया, 16500 रुपये मैं गिन के फिर वापस कर दिया, और एक जगह गया पार्सल देने,
ऑनलाइन जो है ना कस्टमर पे करने वाले 500 रुपये डाल दिए और डालने वाले थे 370 रुपया, वो डाल दे रहे थे 470 रुपये। मैं बोला ये क्या कर रहे हैं आज, हो क्या रहा है, दो दो बार, एक बार नहीं दो दो बार ऐसा हुआ। फिर मैं बोला यार क्या हो रहा है, कस्टमर लोग का दिमाग चकरा गया है शायद, लेकिन मेरा दिमाग तो नहीं चकराया था। तो मैं बोल दिया कि भाई एक्स्ट्रा पैसा मैं नहीं ले सकता, जितना पैसा बन रहा है आपका उतना ही लूँगा। और ये रहा पपीता पेड़ दोस्तों, पपीता भी अच्छा खासा हुआ है, पकेगा तो मज़ा आएगा खाने में। चल भाई खाना पीना खा लिया हूँ, नहा धो के तैयार भी हो चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ दुकान में बैठने के लिए। मेरे पापा जो है ना दुकान का कुछ खास सामान लेने के लिए जाने वाले हैं, इसे मेरे को बैठना पड़ेगा दुकान में। आज मतलब आराम मिला नहीं मेरे को, काम ख़त्म करके आने के बाद थोड़ा सा सोने का मन करता है। मैं सुबह इतना भोर में जाता हूँ ना काम में कि क्या ही बताऊँ भाई, मतलब 6-6:30 बजे निकलता हूँ तो उससे पहले तैयार वैयार होके नींद ख़राब करके रोज़ रोज़ जाना पड़ता है। और बकरी अच्छा कोई बाबा हैं चले कैसे काट सकते हैं। चलो भाई मेरे को दुकान में आने से पहले ही पापा चले गए हैं सामान लेने के लिए, वहाँ पे मछली पकड़ा जा रहा है। पापा आ गए हैं सामान लेके दुकान का, और मेरे छोटे से तालाब में जो है ना मछली छोड़े थे, ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा हो रहा। और उस दिन जो है ना वो कोचाई के पत्ते में मछली बनाई थी मम्मी, और अपना केला पौधा देख सकते हैं वो। तो भाई यहाँ पे भी एक मछली था, ये रहा केला पत्ता, नहीं नहीं केला पौधा, और वहाँ पे भी रहा। ठीक है केले के पत्ते में भी मछली वाला जो है ना रेसिपी जो है बना के खाए हैं बहुत बार, मस्त लगता है, अच्छा लगता है। खुला है मेरे को जलाने नहीं आता, जला के देना पड़ेगा। नहीं आता जलाना, जला लेती हूं पर डर लगता है। एक आई पटाखा है क्या जो जलाने से डर लगता है? है जी ना। खा लो अपने खेत का है मुनिया। चार्जर घरे से क्या हम लोग जाएगी घूमने के लिए ना बाबा। एक अगरबत्ती फाने नहीं सकती, दिखा मैं फा दे रहा हूँ खेची, उसको ऐसे नहीं उसे दूसरा वाला फट जाएगा, दूसरा वाला फट जाएगा। कैची से जला ले, कैची से काट ले, जला ले बोल रहा हूँ, कैची से जला ले। इधर जल रहा है, उससे क्या मच्छर भागते हैं, वो तो धूप है, पूजा करने के लिए ला सकते। अब खुल जा, दादू को देना, काट देगी, देंगे काट, दादू काट देगी, देंगे 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 देंगे। ये लीजिए काट दीजिए, हुयू आई जी कोई सी को चाकू को उधर, चाकू से भी तो खोल सकते हैं। भाई ये रहा अपने खेत का मक्का, फर्स्ट टाइम खा रहे हैं मस्त, हालांकि बड़ा हो गया ज़्यादा। आपके खेत का फर्स्ट टाइम मैंने खाया था। तुम और तुम्हारे पापा जला रहे थे ना, इसके अंदर बैटरी है। हाँ बैटरी चलता है कि नहीं ये बोल रही थी। हाँ। दिखा चला के देखूँ, चल बैटरी चल। अरे दो हमको मिर्ची कहाँ गया, पेट पे पानी दे दे, ये हाथ जो लेगा उसमें तो पूरा धुआं धुआं कर दिया हो। अरे तो उसको उसको देख के ना जल जा रही है, मैं यहाँ जहाँ जहाँ पे जा रही हूँ ना, और मैं मच्छर लोगों को भगा रही हूँ। एक पाव एक पाव उसको अच्छे से फैलाओ, एक पाव बस 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 बस। और एक कौन आ गए हैं,